दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्या आपको भी काफी कमजोरी लगी हुई है, थकान लगी हुई है, या फिर आप चलते हैं तो आपका चलने का मन नहीं करता, वीकनेस इतनी है कि आपसे उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, या फिर जो है आपको प्रॉब्लम रहती है कि आपके हाथ पैरों में सुन्नी आती है, चक्कर आते हैं, थकान लगती है, थोड़ा सा भी आप काम करते हैं तो आपसे काम में मन नहीं करता है, आपको बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है अपनी बॉडी में, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं इन दो सिरप के बारे में। ये दोनों सिरप जो दोस्तों ये क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, मतलब क्या क्या इसके अंदर सॉल्ट होते हैं, कंपनी ने क्या क्या इसके अंदर डाला हुआ है और किस सिरप का इस्तेमाल कहाँ होता है, किसको किस टाइम लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अगर आप डेली इन सिरप को पीते हैं तो ये जो है आपकी हेल्थ को काफी इम्प्रूवमेंट देते हैं। ये जो दोनों सिरप होते हैं ये मल्टी विटामिन सिरप्स होते हैं और मल्टी मिनरल सिरप होते हैं। मल्टी विटामिन मतलब बहुत सारे विटामिन इसके अंदर हैं और बहुत सारे मिनरल्स इन दोनों सिरप के अंदर होते हैं। नंबर पहले पे जो आता है वी टोटल सिरप, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं वी टोटल सिरप, ये जो है 200 ml की रेंज में आता है और 176 rupees में आपको मिल जाता है। दूसरी साइड जो ए टू जेड सिरप आता है 200 ml में, ये भी सिरप आता है, ये 190 rupees में मिल जाता है। ये थोड़ा सा महंगा रहता है बी टोटल सिरप से। कंपनी जो बनाती है बी टोटल सिरप को, इसको अरिस्टो कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ए टू जेड सिरप को बनाती है एल्कम लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले बी टोटल जो सिरप है इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो इसका इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो कंपनी ने डाला हुआ है, लाइसिन इसके अंदर होता है, कुछ मल्टी मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जिसको बोला जाता है वो होता है, विटामिन B3 होता है, B5 होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन बी होता है, B6 होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स ये होता है, सारे के सारे बी विटामिन जो आते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। दूसरी साइड इसमें जिंक होता है, सेलेनियम होता है, आयोडीन होता है और जो है मोलिब्डेनाइट इसके अंदर होता है। दूसरी तरफ जो ए टू जेड सिरप है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है कंपनी ने, तो इसके अंदर बायोटिन होता है, विटामिन ए होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है और जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सारे विटामिन आ जाते हैं जो कि विटामिन बी होते हैं, मतलब विटामिन B1, B6, B12 सारे आ जाते हैं। इसके अलावा मैग्नीज होता है इसके अंदर, सेलेनियम होता है, जिंक होता है और मोलिब्डेनियम होता है, आयोडीन भी होता है। लगभग देखा जाए तो दोनों ही के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम ही रहते हैं, बस जो ए टू जेड जो सिरप होता है इसके अंदर जो है जिंक और विटामिन सी नहीं होता, इसमें बायोटिन होता है, बायोटिक होता है। और जो दूसरी तरफ जो बी टोटल सिरप है इसके अंदर जो है विटामिन सी भी होता है और जिंक भी होता है। अब इसेंशियल एमिनो एसिड्स भी कुछ इसके अंदर होते हैं जो बी टोटल सिरप होता है। अब जो फायदे की बात करें दोनों के एक एक करके, सबसे पहले बी टोटल सिरप के फायदे की बात करें तो ये जो सिरप है ये आपकी इसके अंदर जो लाइसिन होता है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन में, तरीके से मसल्स बिल्ड करता है आपकी, तो उस प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोडक्शन बढ़ाने में ये हेल्प करता है, मदद करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को बनाने में। इसके अलावा ये जो सिरप है डेवलपमेंट कराने में, बॉडी की डेवलपमेंट कराने में, आपको विटामिन की मिनरल्स की कमी है तो उसमें भी ये सिरप काफी मददगार साबित होता है, उस टाइम पर भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जनरल वीकनेस है, किसी को थकान लगती है, कमजोरी लगती है, चला फिरा नहीं जाता उससे, फिर उसकी नसों से जुड़ी कोई दिक्कत है, उसको नसों में उसके दर्द है, हाथ पैरों में जकड़न सी बनी हुई है, तो वो लोग भी सिरप को ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है तो वो इसी चीज में काम करते हैं। इसके अलावा आपकी कोई डिसीज, आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी से रिकवरी कराने में भी ये सिरप हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे विटामिन, काफी सारे मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। ये थोड़ी बहुत भूख को बढ़ाने में, भूख को इंक्रीज कराने में भी हेल्पफुल होता है बी टोटल सिरप। अब दूसरी ओर ए टू जेड सिरप की बात करते हैं तो ए टू जेड सिरप अगर किसी को जनरल वीकनेस लगी हुई है तो जनरल वीकनेस को ठीक करता है, कमजोरी है, थकान है, उसको ठीक करता है। इसके अलावा आपके जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना अपनी बॉडी का, बॉडी में ग्रोथ करनी है, डेवलप करनी है अपनी बॉडी को, तब भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन और मिनरल्स की कमी है किसी की बॉडी में तो वो लोग भी इस सिरप को ले सकते हैं, ए टू जेड सिरप को। अगर इसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो देखना तो हमने सेपरेट भी इसका बना रखा है, एक अलग से वीडियो बना रखा, आई बटन पे क्लिक करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको
देख सकते हैं ये जो सिरप है ए टू जेड, ये कुछ भूख बढ़ाने में भी इम्प्रूव, मतलब भूख को भी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता थोड़ा बहुत। इसके अलावा बीमारी को जल्दी ठीक करने में भी हेल्पफुल होता है, कारगर होता है। सुस्ती लगती है आपको, कमजोरी लगती है, थकान लगती है, काम करने का मन नहीं करता है, नसों से जुड़ी आपकी कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशन में भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। लगभग यूज देखे जाए, फायदे देखे जाए दोनों सिरप के, तो लगभग सेम ही रहते हैं, कोई इतना बड़ा फर्क है नहीं दोनों सिरप के फायदों में। अब लेने के तरीके की बात करते हैं, दोनों को कैसे लेना होता है। तो जो वी टोटल सिरप जो है 5 ml डेली सुबह शाम ले सकते हैं, या 3 times तक भी ले सकते हैं, मतलब 5 ml सुबह, दोपहर, शाम, या फिर सुबह शाम, कंडीशन पे डिपेंड करता है। दूसरी तरफ जो ए टू जेड सिरप है, इसको 5 ml सुबह शाम ले सकते हैं, या फिर इसको भी 3 times लिया जा सकता है। लेने का तरीका भी लगभग सेम ही है। तो ये होता दोस्तों दोनों सिरप के बारे में डिफरेंट, ये दोनों सिरप क्या होते हैं, वी टोटल सिरप और ए टू जेड सिरप। तो कैसे लगी आपको वीडियो, काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।